नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, तो दिसंबर महीना जो कि मार्गशीर्ष महीना भी कहा जाता है, इस महीने के शुक्ल पक्ष में गीता जयंती पड़ता है। गीता जयंती के अवसर पे भगवद गीता पढ़ा जाता है। इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में भगवद गीता का वितरण होता है। तो भगवद गीता बेसिकली जो है हमें लाइफ मैनुअल है, सक्सेस मैनुअल है, जो हमारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान बताती है, स्थायी समाधान बताती है, परमानेंट सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने सारे कष्ट होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, है ना, कभी नाक, कभी आँख खराब, कभी सिर खराब, तो इस प्रकार से हर प्रकार का प्रॉब्लम जो है होते रहता है। तो भगवान ने भगवद गीता के अंदर बताया है कि हम जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं भगवान से कनेक्ट होकर, क्योंकि हम हमारे आइडेंटिटी को रिवील किया गया कि हम हैं कौन एक्चुअली में, क्या हम मन है, बुद्धि है, अहंकार है, या हम शरीर हैं, या फिर हम आत्मा हैं। तो ये चीज़ अगर हम जान ले और इसके थ्रू हम भगवद गीता को अगर फॉलो कर जीवन में, जैसे कि मैं करता हूँ पर्सनली, और मैं बहुत ही आनंद में जीवन जी रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ जीवन में। तो ऐसे अगर आप भी भगवद गीता को पढ़ते हैं, भगवद गीता के शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो भगवद गीता जो है वो हर फील्ड में हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको 100% बहुत ही लाभ होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है भगवद गीता अगर जहाँ भी आपको दिखे इस्कॉन का, तो आप ज़रूर खरीदें और उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है और आपके जीवन को इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, और आपको हेल्प करेगा हर चीज़ को अचीव करने में। चाहे आप मटेरियल लाइफ में सभी सक्सेस पाना चाहते हो, स्पिरिचुअल लाइफ में पाना चाहते हो, तो हर चीज़ में ये हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको खरीदें जहाँ भी आपको इस्कॉन के डिवोटीज दिखें, या फिर आप इस्कॉन नियर बाई इस्कॉन सेंटर्स में जा सकते हैं। गूगल करके आप सर्च कीजिए इस्कॉन कहाँ पे है आपके घर के आसपास, और वहाँ पे जाके आप इसको परचेज करिए, ताकि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे डॉक्टर वीरू बिंद्रा हैं, डॉक्टर नरेंद्र मोदी हैं, और भी कई सारे लोग हैं, बड़े बड़े फॉरेनर्स हैं, रॉबर्ट ओपेनहावर जो कि एटमिक बम के जो हैं फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने भी भगवद गीता को पढ़ा और उनको भी जो है भगवद गीता हेल्प किया। और ऐसे ही स्क्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनको भी भगवद गीता जो है वो हेल्प किया। पीटर केल्विन, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं जिनका नाम प्रचलित है पूरे संसार में, वो लोग भी भगवद गीता को पढ़े हैं और भगवद गीता की शिक्षाओं को जीवन में उतारे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप भी भगवद गीता को पढ़ें और इसके शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।